उसकी जो विजुअल बेसिक की प्रैक्टिकल की क्लास है उसमें हम असाइनमेंट नंबर 22 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट वेरियस कीबोर्ड एंड माउस इवेंट। कीबोर्ड और माउस इवेंट को डिस्प्ले करने वाला कोई भी प्रोग्राम आप डिज़ाइन करिए, यानी ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें कीबोर्ड के इवेंट्स और माउस के इवेंट्स आपको इसमें दिखाई दें। ठीक है, तो जैसे कई बार आपने वैलिडेशन का कोड देखा होगा, उसमें कीबोर्ड इवेंट्स यूज़ करते हैं, माउस इवेंट यूज़ करते हैं, तो उनसे रिलेटेड कोई भी कोड आपको करना है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा इंटरफेस अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेते हैं जिसमें कीबोर्ड और माउस इवेंट को हम दिखाएंगे। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि कीबोर्ड और माउस के कौन कौन से इवेंट जो हैं हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो एक ब्रीफ इवेंट्स के बारे में देखते हैं। ये मैंने विजुअल बेसिक ओपन कर लिया, थोड़ा सा फॉन्ट इसका बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे। अब मैं यहाँ पर जैसे ही कोड विंडो में जाऊँगा तो देखिए कोड विंडो में ऊपर दो हिस्से बने रहते हैं, एक जो होता है ऑब्जेक्ट या सोर्स को बताता है और दूसरा जो है इवेंट्स को बताता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि माउस के तीन इवेंट दिख रहे हैं, माउस डाउन, माउस अप, सॉरी माउस मूव और माउस अप। ये तीन इवेंट जो है वो माउस इवेंट है और इन तीनों के लिए हम तीन अलग अलग टाइप के प्रोसीजर्स बना करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। सेम यही बात अगर हम करते हैं कीबोर्ड इवेंट्स की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कीबोर्ड के भी तीन इवेंट दिख रहे हैं, की डाउन, की प्रेस और की अप। अब इन दोनों को डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पर अपने हिसाब से एक इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। तो आपको पता है कि माउस इवेंट अगर मुझे चलाना है तो एक ऑब्जेक्ट रख के इसके ऊपर मैं माउस इवेंट चलाऊंगा। तो इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यह माउस इस पर नहीं करते हैं, चलिए फॉर्म पर करेंगे। सबसे पहले माउस इवेंट को हम फॉर्म पर देखेंगे, तो ये फॉर्म के ऊपर माउस इवेंट लगाते हैं। क्लियर, तो माउस इवेंट लगाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फॉर्म पे डबल क्लिक करता हूँ और फॉर्म लोड इवेंट है, ये फॉर्म का लोड इवेंट है, जबकि मुझे फॉर्म का लोड इवेंट नहीं चाहिए, फॉर्म का माउस मूव इवेंट चाहिए इसका। और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस इवेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको देख के समझ में आ रहा है कि फॉर्म पर जब भी माउस मूव किया जाएगा तो क्या काम होगा हमको यहाँ बताना है। अभी आप देखेंगे कि फॉर्म के ऊपर जब मैं माउस मूव कर रहा हूँ ऐसा रन करके, तो कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई कमांड नहीं दिया गया है कि क्या करना है। अब मैं यहाँ पर डिस्प्ले ये करने वाला हूँ कि फॉर्म लिया मैं यहाँ पर और यहाँ पर माउस मूव लिया, तो ये प्रोसीजर बन जाएगा हमारा। मैं इसके बीच में कोड लिख करके बताऊंगा कि फॉर्म पर जब भी माउस मूव होगा तो हमको करना क्या है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि प्रिंट ओके, मैं लिख देता हूँ कि जब भी फॉर्म पर माउस मूव होगा ना आप ओके प्रिंट कर देना। तो कंप्यूटर में जैसे ही मैं रन किया, अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर माउस मूव करूँगा तो एक ओके प्रिंट नहीं होगा, कई ठोके प्रिंट हो जाएंगे। देखिए ये देखिए ऐसा, यानी कि मैंने माउस को यहाँ से यहाँ तक मूव किया, इतने दूर में ही इतने दूर को कई बार ओके प्रिंट कर दिया, यानी कि माउस मूव जो है हर थोड़े थोड़े देर में वो कमांड को एक्टिव करते रहता है। क्लियर है, तो आप यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो 10 बार एक्टिव कर देगा, 10 बार नहीं उससे ज़्यादा बार एक्टिव कर देगा और बार बार ओके लिख दिया। तो इस फीचर को हम यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं प्रिंट ओके ना करके यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सर्कल कमांड बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा सर्कल। अब जहाँ पर माउस मूव होता है ना उसकी पोजीशन यहाँ पर आती है, उसको एक्स वाई बोलते हैं। एक्स वाई मतलब माउस की पोजीशन। ठीक है, तो माउस की पोजीशन और उसकी साइज हम दे देते हैं, जैसे मान लो मैंने दे दिया 100। 100 मतलब सर्कल की साइज है और एक्स वाई मतलब माउस की जो पोजीशन है वो है। जब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए जहाँ जहाँ माउस जा रहा है वहाँ पर 100 साइज का बार बार सर्कल बन रहा है, बार बार बन रहा है। आपको मैं बताया था कि बार बार होता है, माउस मूव करते रहते हैं, ये माउस मूव इवेंट की वजह से हो रहा है। क्लियर है, तो ये मैंने जो कमांड चलाया। अब सर्कल की साइज बढ़ा करनी है तो मैं यहाँ पर 500 कर दिया। अब देखना जैसे ही मैं फॉर्म के ऊपर जाऊंगा तो बार बार ऐसा सर्कल बन रहा है और बड़ा बड़ा सर्कल बन रहा है, जहाँ जहाँ माउस जा रहा है वहाँ वहाँ जा रहा है। अब ध्यान से देखेंगे कि सर्कल के बीच में है माउस, सर्कल का जो सेंटर है, यानी सर्कल
जो है उसको माउस के सेंटर पे रख करके वो आगे बढ़ते रह रहा है, क्लियर, ऐसे बढ़ते रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि उसके माउस के सेंटर पे ना रहे, तो मैं यहाँ पर +400 कर दिया और यहाँ भी +400 कर दिया। अब देखिए सर्कल जो है ना वो थोड़ा सा किनारे पर रहेगा, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर माउस जो है वो सेंटर पे नहीं है बल्कि किनारे पर दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से उसकी जो पोजीशन है वो डिसाइड करते हैं कि सर्कल की पोजीशन क्या होगी, क्लियर है। तो यहाँ पर एक्स वाई ही लेते हैं ताकि माउस जहाँ जहाँ जाए सर्कल भी वहाँ वहाँ जाए, ये सर्कल की साइज यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये माउस मूव इवेंट को दर्शाने वाला एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बना दिया है। अब इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना देते हैं हम लोग माउस मूव को प्रदर्शित करने के लिए, उसमें कलरफुल कर देते हैं। तो कलरफुल करने के लिए कुछ नहीं करना है, मी डॉट या फॉर्म का 4 कलर चेंज कर दिए, form1.4 color इक्वल टू। अगर आपको रैंडम कलर लेना है तो आप क्या लेंगे, RGB। और रैंडम कलर के लिए एक प्रोसीजर होता है जिसमें RND x 255, ये रेड के लिए है, ऐसे ही ग्रीन और ब्लू के लिए भी देना है आपको। अब देखिए कलरफुल सर्कल्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे, जैसे जहाँ जहाँ आप जाएंगे तो वो रैंडम कलर्स जो जनरेट करेगा, ये फॉर्म आपका माउस मूव इवेंट है फॉर्म पर, क्लियर। तो इस तरीके से फॉर्म पर आप माउस मूव इवेंट चला सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि माउस मूव इवेंट को हमने अपने किसी टास्क के लिए यूज़ कर दिया, जहाँ जहाँ माउस मूव कर रहे हैं। अब माउस मूव इवेंट का ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको देखने में लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है कि सर्कल्स बन रहे हैं और रंग बिरंगे दिख रहे हैं। लेकिन माउस मूव इवेंट का एक और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कमांड बटन है, मैं चाहता हूँ कि मैं कमांड बटन पे जहाँ जहाँ पर यहाँ पर जाऊँगा वहाँ पर माउस मूव होने लगे, ये सॉरी कमांड बटन जो है वो मूव होने लगे। तो आप जनरली देखेंगे कि मैं जब इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आता हूँ तो माउस जो कमांड बटन है उसकी पोजीशन फिक्स होती है, ठीक है। पहले ये सर्कल वाला कोड हम हटा देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भी मैं इसको उठा के ले आऊँ तो ये यहाँ पर आ जाए, क्लियर है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे ही मैं माउस मूव इवेंट लिखता हूँ तो इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि command1 की जो पोजीशन है ना, command1 dot top equal to x और command1 dot left equal to y, x एंड y, ओके। x और y में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, चलो देखते हैं। अब जहाँ जहाँ मैं देखो यहाँ पर कमांड बटन को लेके जाऊँगा ना, ये देखो इस तरीके से कमांड बटन खसा करा है यहाँ पर। तो कमांड बटन को हम अपने हिसाब से खसका सकते हैं, यहाँ पर उल्टा इसलिए खसक रहा है कमांड क्योंकि मैंने एक्स और वाई को उल्टा लिख दिया है। असल में एक्स को इधर लिखना था और इधर वाई को लिखना था, क्लियर है। अब देखिए क्या होगा कि जहाँ जहाँ आप ऐसे माउस ले जा रहे हैं ना, कमांड बटन उसके साथ साथ जा रहा है। तो ये जो कमाल हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, माउस मूव इवेंट। माउस मूव इवेंट में मैंने कमांड दे दिया है कि जब भी फॉर्म पर माउस मूव होगा तो कमांड की जो पोजीशन है वो सेम वही पोजीशन हो जाएगी जो माउस की है, यानी माउस की पोजीशन को एक्स वाई बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो पोजीशन माउस की होगी वही पोजीशन कमांड बटन की भी होगी। देखिए तो जहाँ जहाँ मैं माउस ले के जा रहा हूँ वहाँ वहाँ कमांड भी जा रहा है। इस तरीके से रन टाइम पर मैं किसी भी चीज को फॉर्म पर मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक और अच्छा एग्जांपल है, लेकिन हमारा जो ये वाला एग्जांपल था वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो हम इसको रहने देते हैं। तो ये हमने एग्जांपल जो लिखा ये माउस मूव इवेंट का एग्जांपल था। अब माउस डाउन इवेंट को देखते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि माउस मूव इवेंट जो है बहुत सारी हमारे हमको डिस्टर्बेंस भी देता है कि आप जैसे नहीं करना चाहते सर्कल तो भी वो अपने आप सर्कल बनाते रहेगा, सर्कल को रोक नहीं सकते आप। तो आप एक कोड कर दीजिए ताकि सर्कल रुके। यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं इफ बटन इक्वल टू 1 देन, अगर बटन 1 है तभी सर्कल प्रिंट करना नहीं तो मत करना। एंड
तो हमने एक कंडीशन दे दी उसको कि अगर बटन इक्वल टू वन है, ये बटन इक्वल टू वन बटन एक आर्ग्यूमेंट होता है, वो बताता है कि आपकी माउस का क्लिक बटन चालू है या नहीं है। यानी कि अब आप माउस स्क्रीन पर ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होगा, जब क्लिक किया मैंने बटन को दबाया और ऐसे कर रहा हूँ तब ये हो रहा है, मूव कर रहा हूँ तब, क्लियर है। तो माउस का बटन जब दबे रहेगा तो ऐसे में आप ब्रेक कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो हमने कंडीशन दे दी कि हमेशा सर्कल मत बनाओ, जब बटन दबे रहेगा तभी बनाना। तो माउस का बटन हम दबा रहे हैं और मूव कर रहे हैं तभी सर्कल बन रहा है, क्लियर है। तो ये माउस मूव इवेंट का एग्जांपल था। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम माउस डाउन और माउस अप का एग्जांपल देखेंगे। तो मैं फॉर्म पर ही डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ माउस अप। माउस अप में मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एम या प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट माउस अप। और वैसे ही माउस डाउन पे मैंने लिखा प्रिंट माउस डाउन, क्लियर। तो जैसे ही मैं माउस डाउन और अप करूंगा तो क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। लेकिन ये सिंपल सा कोड है, मैं इसको बताऊंगा। मैं फॉर्म पर माउस, अभी मैंने माउस का बटन दबाया है और दबा के छोड़ दिया हूँ, मतलब छोड़ा नहीं हूँ, मैं रखा हूँ दबा के, क्योंकि अब दबा हुआ है, देखिए ये माउस बटन दबा हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर छोड़ूंगा तो माउस अप हो जाएगा, माउस यहाँ पर अप हो गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि माउस अप लिखा हुआ दिख रहा है। माउस अप लिखा होने के बाद अब देखिए ये ब्रेक हो गया है, ये अब ये नहीं हो रहा है। फिर से मैंने माउस डाउन किया और फिर से माउस अप कर दिया, फिर यहाँ पे माउस डाउन किया और माउस अप कर दिया। तो इस तरीके से जब भी मैं बटन दबा रहा हूँ तो ये कुछ मैसेज प्रिंट कर रहा है, बटन छोड़ रहा हूँ तो कुछ मैसेज प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से माउस डाउन और माउस अप इवेंट को भी आप हैंडल कर सकते हैं। कीबोर्ड का बटन दब, माउस का बटन दबने पर कुछ कोड होगा और छोड़ने पर कुछ कोड होगा। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे माउस का, इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे ये आप बटन बनाए हैं, है ना, आपने कई बार देखा होगा कि जब बटन पे हम क्लिक करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो उसको कैसे करेंगे, ये देखिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। बटन का कलर कैसे चेंज करते हैं आपको ध्यान देखना है, सिर्फ कमांड बटन का कलर चेंज नहीं होता है डायरेक्टली। जैसे मैं इसका कलर रेड कर दिया, ये रेड नहीं होगा जब तक मैं इसका स्टाइल चेंज नहीं करूँगा। यहाँ पर मैंने स्टाइल प्रॉपर्टी ग्राफिक ले ली, अब ये रेड हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इसमें क्लिक करूँ तो कलर चेंज हो, ठीक है। तो मैं इस बटन पे क्या किया, देखिए ध्यान से, बटन पे मैं यहाँ पर लूँगा माउस डाउन, ध्यान देना है, कमांड बटन का, सॉरी की डाउन ले लिया मैंने, कमांड बटन का मैंने लेना है माउस डाउन। यानी कमांड बटन पे जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, कमांड वन डॉट बैक कलर इक्वल टू वीबी येलो। जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ उसके ऊपर तो कमांड का जो बटन का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और जैसे ही बटन मैं छोड़ देता हूँ वहाँ से, एक माउस का बटन जैसे ही रिलीज करूँगा तो माउस अप इवेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कमांड का बैक कलर जो है वो क्या हो जाएगा, वीबी रेड है ना। यानी जब मैं इसको छोड़ूंगा तो वो रेड हो जाएगा और जब उस पर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। देखिए अब कमाल, इसके ऊपर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो ऐसे ऐसे करते रहोगे तो जितने बार दबाओगे वो क्या होगा, येलो हो जाएगा। और जब रिलीज करेंगे बटन तो क्या हो जाएगा, तो आपने देखा होगा कई बार बटन को जब क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एनिमेट करता है। तो इस एनिमेट का जो एनिमेशन का जो कमाल है वो क्या, किस वजह से होता है, माउस डाउन और माउस अप की वजह से। इसका दो एग्जांपल मैंने बताया, चाहो तो आप यहाँ पर माउस डाउन अप कर सकते हो, डाउन अप, डाउन अप। एक बार दबाने से दो चीज़ें होती हैं, डाउन अप, डाउन अप, क्लियर है। और चाहो तो इस तरीके का भी एग्जांपल दे सकते हो कि डाउन करने पर कलर चेंज, फिर इस करने पर कलर चेंज, ठीक है। इस तरीके से जितने बार आप दबाएंगे उतने बार ये कलर चेंज होता है। ऐसा एनिमेशन आप देखे होंगे हर जगह, जब क्लिक करते हैं तो कुछ कलर चेंज होता है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल मैंने दे दिया माउस डाउन अप का। दोनों में से जो एग्जांपल आपको सही लगता है वो उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कीबोर्ड के इवेंट्स। कीबोर्ड के इवेंट्स के लिए हमको कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखा ये,
टेक्स्ट बॉक्स बनाया मैंने। अब टेक्स्ट बॉक्स पे मैं कीबोर्ड इवेंट लगाता हूँ, जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स लगा लिया और इस तरीके से थोड़ा सा आपको ताकि कोड में कन्फ्यूजन ना हो इधर कर दिया। तो टेक्स्ट बॉक्स में पहला इवेंट जो है हमारा, टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा होगा की डाउन इवेंट। की डाउन इवेंट का मतलब होता है टेक्स्ट बॉक्स में जब भी आप की डाउन करेंगे तो क्या काम होगा, ठीक है। की डाउन मतलब कोई भी कीबोर्ड से कोई भी एक बटन दबाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ की डाउन इवेंट में MSC बॉक्स की कोड। तो जब भी आप कोई बटन दबाएंगे उसका कोड बताएगा ये यहाँ पर, क्लियर है। जब मैं इसमें क्लिक किया और मैंने देखिए मैंने कैपिटल A यहाँ पर करने वाला हूँ, ओके। की कोड को यहाँ पर डबल कोट में लिख दिया हमने। जब भी मैं यहाँ पर कैपिटल A दबाऊंगा तो उसका कोड बताएगा, जो भी की बोर्ड से कोई भी बटन दबाता हूँ उसका कोड बताएगा। मैं B दबा रहा हूँ 66। अब मैं स्मॉल A दबाता हूँ तो इसका देखिए आपका जो की कोड है वो कैपिटल स्मॉल दोनों को ही सेम मान के चलता है। अब आप चाहते हैं कि जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि यहाँ पर आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं और वो कैपिटल लेटर में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा आपको करना है तो क्या करना होगा, आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी मैंने टाइप किया है वो चीज़ यहाँ पर लिखा है या ना लिखा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर की अप इवेंट ले सकते हैं। की अप इवेंट के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे की अप होगा तो आपको करना क्या है, यहाँ पर अब यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट 1.txt यहाँ पर आप प्लस वन कर दिया मैंने। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है की कोड प्लस वन कर दिया है, मतलब आप ए दबाएंगे तो बी लिखाएगा, बी दबाने से सी लिखाएगा। इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं उसका एक आगे लिखाएगा। जैसे मैंने ए दबाया यहाँ पर टाइप मिसमैच हो रहा है, इन दोनों के बीच में प्लस वन, ठीक है। चलो ठीक है, इसको हम ऐसे ही देख लेते हैं, कुछ डेटा टाइप मिसमैच हो रहा है। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पर कोई भी बटन दबाएंगे, जैसे मैंने बी दबाया तो उसका कैपिटल लेटर भी यहाँ पर लिखा जाएगा अपने आप। आप यहाँ पर इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करेंगे और आप यहाँ पर कोई भी बटन दबाते हैं, जैसे मैं जेड दबाया तो ऑटोमेटिक उसका कैपिटल लेटर भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि मैंने उसको कैपिटल करने के लिए यहाँ पर एक और कोड दे दिया है, क्लियर है। तो स्मॉल और कैपिटल जब भी आप करेंगे तो उसको रिपीट करेगा, ठीक है। ये जो काम हो रहा है हमारा की अप इवेंट से हो रहा है। सेम वैसे ही की प्रेस इवेंट आप यहाँ पर लगा सकते हो। की प्रेस इवेंट क्या होगा, कैसे काम करेगा, इसके लिए पहले इन दोनों इवेंट को हटा देते हैं, नहीं तो दोनों पूरा फ्लक्चुएट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं की प्रेस इवेंट लगाता हूँ। आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में कोई ए टाइप ना कर पाए, आप स्पेशली चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में कोई ए ना लिख पाए, तो यहाँ पर आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इफ की ASCII की ASCII इक्वल टू 65 उसका जो कोड है, देन की ASCII इक्वल टू 0। ये कोड का क्या मतलब है कि कीबोर्ड में जब भी कोई ए लिखने की कोशिश करेगा टेक्स्ट बॉक्स में तो लिखाएगा ही नहीं, ए छोड़ के सब कुछ लिखाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे बी लिखा रहा है, लेकिन मैं जब ए लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कीबोर्ड में ए बटन दबाइए तो काम नहीं करेगा, कीबोर्ड में ए जो लिखा हुआ है वो काम नहीं करेगा। अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर एक मैसेज भी देगा प्रिंट कि जब भी आप कीबोर्ड में ए दबाएंगे ना तो ए को प्रिंट नहीं करेगा और मैसेज देगा ए नॉट अलाउड। तो देखिए मैं यहाँ पे बी सी डी लिख रहा हूँ, जब मैं ए दबाने जा रहा हूँ
जैसे मैं ए दबाया तो ए नहीं लिखाया, लेकिन यहाँ पर मैसेज आ गया कि ए नॉट अलाउड। जितने बार भी आप ए दबाएंगे उतने बार ये क्या करेगा, ए को लिखने नहीं देगा लेकिन उसको मैसेज देगा, मतलब ए को ब्लॉक कर दिया है मैंने। ऐसे ही आप चाहते हैं कि ए बी सी डी कोई भी अल्फ़ाबेट, पूरे अल्फ़ाबेट्स ब्लॉक हो जाएं, तो ये वैलिडेशन कहलाता है। उसको बोलेंगे नंबर वैलिडेशन। नंबर वैलिडेशन में अल्फ़ाबेट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। टेक्स्ट वैलिडेशन क्या होता है, जिसमें नंबर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप वैलिडेशन भी कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं जैसे यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स बनाए, आपने कभी देखा होगा कि इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स बने होते हैं। यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्स बना है और जैसे ही हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने लिखा बी सी ए और ए नहीं लिखा रहा है, बी सी एम लिख दिया मैंने, और यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करते हैं तो वो नेक्स्ट में आ जाता है, टेक्स्ट टू में आ जाता है। तो इसका कोड भी हम कर सकते हैं। इसके कोड के लिए क्या करना पड़ेगा, की प्रेस इवेंट ही लेना पड़ेगा और यहाँ पर लिखेंगे इफ की आस्की इक्वल टू 13। 13 जो है वो एंटर का कोड होता है। तो अगर की आस्की 13 है, मतलब आपको पहचान में आ गया कि आपने एंटर की प्रेस की है, तो उस समय लिखेंगे टेक्स्ट टू डॉट सेट फोकस। मतलब बोलने का मतलब है कि टेक्स्ट वन पर जब भी कीबोर्ड से कोई की प्रेस होगी और की का कोड 13 होगा, 13 मतलब एंटर की होगी वो, तो टेक्स्ट टू को फोकस कर दो। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखा हेलो और जैसे ही मैं कीबोर्ड से एंटर दबा रहा हूँ, देखिए हमारा जो माउस का पॉइंटर ये कर्जर है वो यहाँ आ जाता है, ऑटो फोकस हो जाता है। यहाँ पर अपने आप यहाँ पर एंटर दबाते ही फोकस करेगा वो, एंटर दबाते ही वो उस पर जंप कर देगा। मैं यहाँ फिर से एंटर दबा के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जब मैंने एंटर किया तो वो इस पर फोकस कर दिया, देखिए यहाँ पर आ गया है वो, क्लियर है। तो इस तरीके से कीबोर्ड और माउस के इवेंट से आप उनके बीच में कुछ और टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। कीबोर्ड इवेंट का मतलब है, अगर मैं इसके ऊपर कीबोर्ड इवेंट लगाया हूँ तो यहाँ पर जब भी मैं कीबोर्ड से कुछ काम कर रहा हूँ तो वो इवेंट उसको पहचानेगा, और अगर सेम इवेंट है तो अपना अलग से जो प्रोसीजर डिफाइन किया गया है उसको परफॉर्म कर देगा। ये कीबोर्ड और माउस के इवेंट्स का क्वेश्चन था। इनमें से मैंने दो दो तीन तीन एग्जांपल बताए, कोई भी दो एक एक एग्जांपल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।